हमें चाहिए पाउंड केक, एक पाउंड का केक ले लीजिए, फैमिली छोटी है, आधा पाउंड का बेकरी से केक ले लीजिए, खुद बना लीजिए। कल वाली जो ऑरेंज ड्रिजल केक बनाई थी उससे आप ये मीठा बना सकते हैं। आपको करना क्या होगा, सिर्फ कि उसमें आपको डालना होगा पाइनएप्पल एसेंस और पाइनएप्पल जूस, बस सिर्फ ये करना होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं ले रही हूँ सिंपल पाउंड केक, इसको मैं अच्छी बड़ी लेयर, मोटी लेयर बना लीजिए और इसको हम सोक करेंगे 10 पाइनएप्पल सिरप से। जितना आपका सिरप निकला है ना, ये देखें, ये पाइनएप्पल इसका हमने सिरप पूरा केक से मॉइस्ट कर दिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको थिक लेयर बनाने के बाद अब हमें मूस बनाना है। मूस के लिए हमें लेना है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका मूस बनाएंगे। मूस बनाने के लिए दही लेनी है हमें हंग कर्ड। दही को मैंने 1 कप दही ली थी, उसको मैंने मलमल के कपड़े में हैंग कर दिया था तो उसका पानी निकल गया और ये 1/2 कप दही बच गई मेरे पास, ठीक है। ये हो गई। अब हम लेंगे क्रीम चीज़ पक्की, बिल्कुल भर के 5 टेबलस्पून ऐसा, 1, 2, 3, 4 इस साइज की आप समझे 1 बॉटल हो गई पूरी। पूरी 1 बॉटल ले ली मैंने, ठीक है, मीडियम साइज की। अब मैं इसमें डालूंगी मिल्काना का, जो इटालिया का ब्रांड है, उसका कंडेंस मिल्क। एक कप, 3/4 टिन डाल दिए मैंने, ठीक है, ये डाल दिया। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 पैकेट ऑफ पाइनएप्पल जेली। इसको कोई जमाना वमाना कुछ नहीं है, 1 पैकेट पाइनएप्पल जेली क्रिस्टल्स डाल दिया आपने और इसको मैं बीट कर रही हूँ। बीट करने के बाद इसमें मुझे डालनी है क्रीम। मैं जब तक इसको थोड़ी देर बीट करती हूँ, आप लोग ऐसा करें, ब्रेक लेके वापस आइए। पाइनएप्पल मूस ट्रैफल अज्जा, पाउंड केक स्लाइस 1 अदद, सादा बिस्किट्स क्रश्ड 1 कप, पाइनएप्पल 1 टिन। मूस के लिए पानी निकली दही 1/2 कप, क्रीम चीज 5 खाने के चमचे, कंडेंस मिल्क 1 कप, पाइनएप्पल जेली 1 पैकेट, फिटी हुई क्रीम 3 कप, क्रश पाइनएप्पल 1 कप, पाइनएप्पल चंक्स 1/2 अदद, भुने बादाम गार्निश के लिए। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और हमने क्या किया, देखें, हमने बेस में केक डाला, 1 पाउंड बेकरी का मैंने लिया था, ठीक है, उसके छोटे छोटे क्यूब्स या स्लाइसेस करके ट्राइफल बोल में डाल दिया, ऊपर से उसके जो पाइनएप्पल का टिन था उसका सिरप स्प्रिंकल कर दिया। दूसरी तरफ मैंने लिया फिलिंग बनाने के लिए, 1 कप दही को हैंग कर लिया था, 1 पाव दही को लेके हैंग किया, उसमें से बचेगी 1/2 किलो पानी निकली भी, उसको डाल के बीट किया। साथ में मैंने उसमें शामिल कर दिया क्रीम चीज़ पक्की पूरी, ये वाली जो मीडियम साइज़ की बॉटल आती है ये डाल दी, उसको बीट किया, फिर कंडेंस मिल्क 3/4 टिन यानी कि 1 कप भर के वो डाला, पाइनएप्पल जेली क्रिस्टल्स पानी वानी में नहीं भिगोए ऐसे ही डाल दिया, उसका येलो कलर आ गया वो डाल दिया। अब इसमें मैंने 3 कप डाली है व्हिपिंग क्रीम,
ये हमारा मूस का मिक्सचर रेडी है। ठीक है, पाइनएप्पल का टिन आधा अभी आधा बाद में, इसके ऊपर हम डालेंगे क्रश्ड बिस्किट्स, जो भी आपके पसंद के हो, चॉकलेट के नहीं, बाकी आप कोई भी डाल दें, जो आपके फेवरेट बिस्किट हो चूरा करके डाल दीजिए। मज़े का होता है, आप अलग अलग डेजर्ट्स बनाएं, इसको भी आप शॉर्ट ग्लासेस में बना सकते हैं रमज़ान के लिए, कि रात में एक एक ग्लास छोटा छोटा सबने खा लिया, सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है। फिर ऊपर से मूस की सेकेंड लेयर, कोई बटर वटर नहीं लगाया है मैंने बिस्किट क्रम्स में, कुछ भी नहीं। आपको बादाम चाहिए रोस्टेड, बारीक बादाम काट के, फ्लेक्ड आलमंड्स या स्लाइस्ड आलमंड्स वो लीजिए आप, और उसको आप काटिए, काटने के बाद ओवन में या माइक्रोवेव में उसको रोस्ट कर लीजिए, ताकि वो अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएं, गोल्डन हो जाएं। ये देखें यहाँ मेरे पास पड़े हुए, ठीक है। ना अच्छा नटी नटी मूस लगता है ये। पाइनएप्पल मूस ट्रैफल, अच्छा पाउंड केक स्लाइस एक अदद, सादा बिस्किट्स क्रश्ड एक कप, पाइनएप्पल एक टिन। मूस के लिए पानी निकली दही आधा कप, क्रीम चीज 5 खाने के चमचे, बनाना मिल्क एक कप, पाइनएप्पल जेली एक पैकेट, फिटी हुई क्रीम 3 कप, क्रश पाइनएप्पल एक कप, पाइनएप्पल चंक्स चंद अदद, भुने बादाम गार्निश के लिए। जी जनाब, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाइनएप्पल मूस ट्राइफल रेडी है। आजकल स्ट्रॉबेरीज का सीज़न है, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज आ गई हैं मार्केट में, आप इसको स्ट्रॉबेरी मूस ट्राइफल्स भी बना सकते हैं। आपको स्ट्रॉबेरी जेली डालनी होगी और पाइनएप्पल के बजाय आपको स्ट्रॉबेरी स्लाइस करके डालनी होगी, ठीक है। कंडेंस मिल्क का पूरा टिन डालिएगा, बिकॉज स्ट्रॉबेरीज खट्टी होती हैं, तो शायद आपको वो थोड़ा सा खट्टा लगे, तो
उसके पूरा टिन डाल दीजिएगा, मेरा तो ज़रा सा बचा था, ठीक है, बस और कोई फ़र्क नहीं है।